आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 2x² - 2x + 1/2 दिस इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहां पे आप देखेंगे तो कांस्टेंट है 1/2 है, तो ये डिनोमिनेटर में है, 2 डिनोमिनेटर में है। तो जब भी आप कभी ऐसा दिखे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए यहां पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहां पे 5 होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते। इससे होता क्या है कि हमारा जो फैक्टर्स फाइंड करना जो होता है वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं राइट करूं मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय 2, फिर इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 2x² - 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 2x + 2 मल्टीप्लाई बाय हो गया 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गए। तो यहां से क्या आएगा 4x² - यहां से आ गया 4x + 1 दिस इज इक्वल टू 0। अभी यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 4 है, कांस्टेंट हमारा +1 है, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, और आप अब आपको दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो 4 हो और एडिशन भी कितना हो 4 हो। लेकिन 4 कैसा होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो हम लेंगे 2 2 का क्या होता है 4 और -2 - 2 कितना हो जाएगा -4। यानी इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन 4 आएगा, -2 - -2 + 4। और जब हम ऐड करेंगे तो -2 - 2 कितना हो जाएगा -4। सो हम कैसे राइट करेंगे 4x². अब लिखेंगे इसको कैसे स्प्लिट हो गया, ये -2x हो जाएगा, -2x - 2x, -2x - 2x एंड +1 दिस इज इक्वल टू 0। मेक टू पेयर्स एंड टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट पेयर, फर्स्ट पेयर में से कॉमन निकालना है, तो फर्स्ट पेयर में से 2x कॉमन आ जाएगा आपका। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2 2s of 4, यहां से एक x आ जाएगा, -2x तो हमने कॉमन लिया है तो यहां पे 1 हो जाएगा, माइनस यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, फिर सेकंड पेयर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, और -1 कॉमन ले रहे हैं तो साइन चेंज होगा। तो पहले जो है हम सेम लिखेंगे, -2x को हम -2x ही लिखने वाले हैं, लेकिन साइन सेम माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, +2x हो जाएगा और +1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता देता हूं, जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों टर्म की साइन चेंज हो जाएगी। माइनस कॉमन लिया है, देखिए माइनस था -2x था, ये +2x हो गया, ये +1 था -1 हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो घबराने की बात नहीं, अब आप इसको कॉमन ले सकते हैं 2x - 1। सो नेक्स्ट ब्रैकेट में भी क्या आएगा, यहां से 2x, यहां से -1, 2x - 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट इज 0, प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स आर 0, सो आइदर दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो मैं लिखूंगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0 और 2x - 1 इज इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट तो सेम ही है तो आंसर भी सेम आएगा। तो यहां से 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +1 और x क्या हो जाएगा 1/2, और सिमिलरली यहां पे 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +1 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। तो अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट्स क्या होगा 1/2 1/2, दो सॉल्यूशन होंगे और दोनों सॉल्यूशन क्या होगा सेम होगा, दैट इज 1/2। ओके,